कैसे? हेलो, एक मिनट मेरा फोन कर लेती है मैं। हेलो, हाँ चाची कैसे? हाँ सब कुशल मंगल ना? हाँ मैं भी ठीक है, मेरा सब मिशन मंगल है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। ओके, हाय कैसे आप लोग? हाय हाय हेलो, कैसे हो? आज इतने सारे लोग आए ले, कहाँ से शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहे। आप लोग पेशेंस रखना, सबसे बात करेगी मैं। एक काम करते, टॉस कर लेते, कप्पू क्या बोलता है? ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है, सबसे पहले मैं अक्षय सर से बात करेगी। तो भागा तो इनपे आया ना? हाँ, तो भाग के उधर चला गया ना उनकी तरफ वो। इधर बैठ के बात कर। हाँ कैसे अक्षय सर? बस बढ़िया। मेरे को मालूम है सेम बातों से बहुत इरिटेट हो गए सर, कुछ अलग करते। अक्षय सर दिन को 12 बजे सो के उठते हैं। अक्षय सर 3 साल में एक ही पिक्चर करते हैं। अक्षय सर ज्यादा पैसा भी नहीं कमाते और अक्षय सर ज्यादा टैक्स भी नहीं भरते। क्या बातें कर रही है? 4 बजे उठ जाते हैं, साल में 4 फिल्में करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं वो लोग। अभी सब इसने बोला, अभी इस पे भड़को आप, मेरे पे नहीं भड़कने का। वो पहले बोल चुका है ये सब बातें नहीं बोलने का। मालूम है फिर क्या करते हो? तेरे को मालूम है सब कुछ। खैर कैसे सोनाक्षी, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा आते हैं। हाँ, कैसे आपको वो नाला सुपारा वाला? नाला सुपारा मुकेश मेरा छावा, एकदम मस्त है। अच्छा है ना? अरे उसको मेरा हेलो बोलना वहाँ पे। मालूम है आप इतनी बार आते, इसकी नौकरी बहुत खतरे में मालूम है। क्यों? अभी बाहर लोग सब डिस्कस कर रहे थे। क्या बोला? ऐसा लगता है सोनाक्षी सिन्हा के शो पे तू और हमें आके परफॉर्म करते। बहुत टेंशन है इधर। मालूम है इतने हमारे एपिसोड नहीं आते जितनी इनकी फिल्में आती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है। हाँ। बहुत दुआ है मेरी, हमेशा आपकी पिक्चर आती रहे, आप हमेशा आते रहे। बहुत अच्छा। मेरे को आपके पार्लर के ऊपर एक कमरा ले लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आइए ना, स्वागत है आपका। मसाज भी देगी अलग अलग टाइप का। नहीं वो नहीं चाहिए। मेरे को ना अक्षय सर का एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या? अरे 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 रो मत, रोती हुई मर्द लगती तू। हंसी आ रही है मेरे को। अक्षय सर इतनी बार इधर शो पे आते हैं। हाँ। कभी इन्होंने तेरे को मेरे को पिक्चर में बुलाया क्या? कभी बुलाया? कितनी गलत बात है ये। अरे वो तो यहाँ पे फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं ना वो तो। अच्छा हाँ, प्रमोशन रहते हैं ना। एक मिनट, मेरे को ना आप लोग से एक सवाल था। ये जो प्रमोशन रहते है, तो जैसे हवलदार रहते है उसका प्रमोशन होता है तो वो इंस्पेक्टर बनता है, तो आप लोग का प्रमोशन होता है तो क्या बनता है? बताओ भाई क्या बनता है? स्टार से सुपरस्टार। बिल्कुल, हमारा जब प्रमोशन होता है। हाँ। उसके बाद हमें और फिल्में मिलती हैं। हाँ। फिर हम और बड़े होते फिर हैं। हमारा फोर्ब्स में नाम आता है। तो नहीं ये सब मेरे को गलत लगता है। फिल्म की प्रमोशन होती है तो उसके बाद फिल्म लगती है, उसका नहीं, क्या नहीं, बनता? मैं बताती हूँ क्या बनता है। आप लोग इधर प्रमोशन पे आते हैं ना, सोनी टीवी से इसका बहुत बड़ा चेक बनता है। इसका बहुत बड़ा बंगला बनता है, लोखंड वाला में 9 माले पे बंगला बनाया है, बहुत बड़ा इसने मालूम है। ऐसा सर मैं गया हूँ, मैंने देखा आप है वो। देखे ना? हाँ। वो लिफ्ट भी इसके कमरे में खुलता है ऐसा जाके उधर, और छत इतना बड़ा है इसका। हाँ। पूरा का पूरा छत तेरा है ना वो। हाँ। जो तुम लोग बाहर बैठ के सिटिंग करते हो। हाँ, किधर कितना बड़ा ग्राउंड, उधर क्रिकेट खेलता है उधर अपने घर में बैठ के। और इतना शाना है आपको मालूम है, खुद की सिक्योरिटी के लिए ऊपर इरफान खान और नीचे मिका को रखेला इसने। इरफान सर नीचे रहते हैं, मिक्का ऊपर रहता है। हाँ, मिक्का को तो ऊपर ही रखेगा ना, वो पंजाबी जो ठहरा, पंजाबी लोग को बहुत फेवर करता है ये। हर जगह पंजाबी पंजाबी। ये नॉन टैलेंटेड आदमी इसका ढाबा खोलेला है मेरे सामने इधर। इसके सब दोस्त लोग इधर बैठे, गिटार वाला पंजाबी, ये पंजाबी। अक्षय सर भी तो पंजाबी है। हाँ तो पंजाबी लोग बहुत अच्छे रहते है, मैं कब बोली। पंजाबी लोग दिल के बहुत अमीर रहते है। अर्चना जी आप भी पंजाबी है ना? हाँ यही समझ ले। हाँ। जरूरी नहीं हर पंजाबी अमीर हो। ए खबरदार, अगर अर्चना जी को ऐसे बोला तो। तू तो मेरे को डांट मत, मेरे से ज्यादा तो तू बकवास करते अर्चना जी के बारे में। तू ज्यादा मत बोलना। मैंने क्या बोला? अर्चना जी को कम मत समझना, मालूम है मेहनत का खाती है वो, मेहनत का। भले वो मेहनत किसी और की हो लेकिन खाती है। खाती है
मेहनत से आता है कुल्हाड़ी. हाय कीर्ति कुल्हाड़ी जी, कैसे? I'm good. आप ना किसी पेड़ वीड के नजदीक मत जाया करो, कभी भी कट सकता है. मेरे को मालूम है बहुत गंदा वाला पीजे था ना. मैंने आप पे 3-4 जोक बनाए थे, ये वाला मेरा बेस्ट था. तेरा ये बेस्ट था. तो इससे बेस्ट होता तो तेरी जगह पे नहीं बैठी होती, यहाँ पर इंटरव्यू ले रही होती. कीर्ति जी, कब दे रहे आप मेरे को कुल्हाड़ी? कब चाहिए आपको कुल्हाड़ी? उनका सरनेम है. तू ना सबसे पहले इंग्लिश सीख ले. वो मैडम है, उनका मैडम नेम होगा, सरनेम किधर से आएगा? उनका तो जेंडर मत बदल. हमारा जेंडर बदल के तो तूने हमारा सत्यानाशा कर दिया यार. है कि नहीं? अच्छा सर, मेरा ना वो छावा के बारे में पूछ रही थी ना. मुकेश. हाँ मुकेश, मेरा छावा है सर नाला सोपारा में. उसको ना मार्स पे लेके जाओ ना. उसको क्यों जाना मार्स? उसका ना बदन में मांस नहीं है. नहीं सर, सच में उसका बदन में ऐसा कड़के हो गया, एकदम ऐसा हड्डी हड्डी. कल तो ऐसा ना कुत्ते ने काटा ना उसको, कुत्ता अटक गया उसका हड्डी में ऐसा मुंह. ऐसा कुत्ता अटक गया ना सर, तो उसका पूंछ से खींचा मैंने कुत्ते को, तो उसका जबड़ा उधर ही रह गया, कुत्ता बाहर आ गया उधर. और मालूम है कुत्ते का कितना प्रॉब्लम है सोनाक्षी? अभी वो भौंक ही नहीं सकता है कप्पू. क्यों? अरे पोपला हो गया ना, तो आवाज ही नहीं निकलती, वो भाप निकलती मुंह से था, हप्पू हप्पू ऐसा करते रहते हैं. तो कुत्ते का ना बहुत प्रॉब्लम हो गया है, उसको मार्स पे लेके जाओ ना सर. ए सपना, मार्स का मतलब ये मार्स नहीं होता. हाँ. मंगल ग्रह बोलते हैं उसको. हाँ. वो यान में जाना पड़ता है. यान में क्या, वो बनियान में जाने को तैयार है. तू क्या बात कर रहे हो? हाँ मुकेश अक्षय सर ज्यादातर बनियान चड्डी में रहते हैं. हाँ. वो बोलता है बनियान चड्डी पहन के घूमने का, इससे कपड़ा खराब नहीं होता. तू भी ट्राई कर, तू इधर बनियान चड्डी पहन के आया कर, बहुत अच्छा रहेगा. ये बात तूने अक्षय भाजी को क्यों नहीं बोली? मार खाने का मेरे को ये सब बोल के उनके. ऐसा सब बात करो ना, कुछ बोलते नहीं है. सिर्फ पैकअप के बाद ना वैनिटी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं और बोलते आ जा तेरे को घर छोड़ के आता हूँ. तो ये तो अच्छी बात है उनकी घर छोड़ के. अच्छी बात, गाड़ी के पीछे रस्सी बांध के ऐसा ऐसा बोल लेते हैं. तो अक्षय सर उसको मार्स पे लेके जाओ ना. देख मंगल ग्रह पे जाने के लिए ना इसरो में जाना पड़ता पहले. इसरो में तो 10 साल से है वो. कैसे? अरे जब वो छोटा था ना, स्टूडेंट था, तो उस बदबू बहुत मारता था. हाँ. तो बाकी लोग बोलते थे तू उस रो में नहीं इसरो में बैठ. तो इस रो में 10 साल बैठे एक ही क्लास में, कितनी बड़ी बात है. क्या बात करता है तो उसको कैसे नहीं जाने देंगे उधर. सर वी हैव, आप तो सोनाक्षी जी तो आती रहती, सर भी आती, आप लोग, वी हैव पार्लर हियर. तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, सो यू प्लीज आप आ सकते हैं हमारे पास. अलग अलग टाइप का मसाज है. आपकी फिल्म कॉपी दैट मसाज है हम लोग के पास. कॉपी दैट आपका डायलॉग है ना. हाँ. वो मसाज है हम लोग के पास. उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को बुलाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर खुद को तेल लगाते और फिर खुद का मसाज करते और उसको बोलते कॉपी दैट. तो वो ऐसा करता है. तो ऐसा मसाज रहता है. देन वी हैव वेरी स्पेशल कीर्ति कुल्हाड़ी मसाज. हाँ. इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, एक कुल्हाड़ वाला रहता है. कुल्हाड़ वाला? कुल्हाड़ वाला. हाँ. वो उसकी जो कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर जाती है. Hmm. तो फिर अचानक से देवता प्रकट होते हैं. hmm. फिर उसको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं. hmm. वो बोलता है ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. फिर देवता उसको देखते हैं, वो देवता को देखता है. देवता देखते हैं तो पक्की अच्छी बात कर रहा है. हाँ क्या तू? ये तो क्या लकड़ा रहे की कहानी सुना रही है तू? हाँ तो मसाज बनी नहीं ना, तो कहानी सुनाऊंगी मैं अभी इनके नाम पे क्या मसाज बनेगी. मेरे जाने का टाइम आ गया सर. बिल्कुल. मैं चलती है. मुझे ना आपका डायरेक्टर है ना. कौन सा? आर के बाल की. आर बाल, उसको आर के बाल की मसाज करने जाना है मेरे को. बाय. बाय.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.